आज मैं एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाला हूँ जो टॉपिक आप लोगों ने मुझे कहा कि उठाऊँ ये टॉपिक। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मैं आप लोग को ये कहना चाहता हूँ कि ये वीडियो जो मैं अभी क्लिप आप देख रहे हो ये बहुत बाद शूट हुई है एंड आई डोंट नो कैसे, बट जो वीडियो आप देखने वाले हो उस वीडियो पे कॉपीराइट्स आ गए वीडियो अपलोड होते। आई डोंट नो कैसे बट बहुत टाइम लगा वीडियो आने के लिए, मैं जानता हूँ, बट ये सेकेंड टाइम रिकॉर्ड हो रहा है एंड सेकेंड टाइम तैयारी की जा रही है इस वीडियो को पोस्ट करने के लिए। मैं भी सेकेंड टाइम ही डाल रहा हूँ। सो हुआ कुछ ऐसा कि कुछ लोगों ने इस वीडियो पे कॉपीराइट डाल दिया एंड मैं तैयार नहीं था इस कॉपीराइट को ये लेने के लिए, क्योंकि इसमें मैंने अपनी कहानी बताई। भाई कहानी है, आप कहाँ से कॉपीराइट डालोगे, क्यों डालोगे? तो लॉट ऑफ पीपल टोल्ड मी इंस्टाग्राम दैट लास्ट वीडियो में आपने जैसे अपने बारे में कहा कि यूट्यूब पे आपने कैसे आया, उस चीज़ को थोड़ा एक स्टोरी के वे में बताओ एंड थोड़ा अच्छा वे में बताओ कि हमको पता चले। सो मैंने सोचा ठीक है, और ये ज़्यादा कोई लोग नहीं है, मैं पहले बता रहा हूँ, ठीक है, दो तीन लोगों ने ही बताया, तो मैंने सोचा ठीक है वीडियो डाल देते हैं, लोग को अच्छा लगेगा। एंड नाउ आई एम श्योर कि ये वीडियो अच्छा लगेगा आपको, बट आई डोंट नो, मुझे खराब लग रहा है कॉपीराइट आ गई इस पर, बट कैसे आई क्यों आई पता नहीं। बात की उस बंदे से एंड नाउ इट्स ऑल सेटल डाउन, मैं अभी डालने वाला हूँ वीडियो। सो ही क्लेम्स दैट कि जो मेरी स्टोरी है वो उसकी स्टोरी है, बट आई डोंट थिंक कि उसकी स्टोरी मेरी स्टोरी मैच करेगी, ये कोई मजाक होगा कुछ होगा, आई डोंट नो। सो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं एंड बात है कि पॉडकास्ट में हम करेंगे क्या। ओके तो मैंने सोचा है इस चीज के बारे में, आई विल नीड अ ह्यूज टीम फॉर दिस एंड आई एम श्योर दैट आई विल पे यू गाइस टू, अगर आप लोग मेरा काम करते हो मेरे साथ, एंड होप कि बहुत लोग हेल्प करेंगे। अब बात कुछ ऐसी है कि ये जो स्टोरी मैं बताने जा रहा हूँ ये मेरी स्टोरी है, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड स्टोरी हो सकती है या फिर सिंपल भी आप लोगों के लिए हो सकती है, डिपेंड करता है। तो हुआ कुछ ऐसा था कि मैं क्लास सिक्स सेवन्थ में था जब मैंने मेरा एक दोस्त विरोध महापात्रा से मैं मिला था एंड हम लोग तब से दोस्ती हुई एंड नाउ वी आर बेस्ट फ्रेंड्स, अभी तक दोस्ती चल रही है क्योंकि आई डोंट नो क्यों बट है एक दोस्ती आ रहा है, मतलब टूट ही नहीं पा रही, हम क्या बताएं और टूटेगी भी नहीं ज़िंदगी में, ये बता सकता हूँ मैं। एंड उस टाइम से मैं बता रहा हूँ तब से हम, मतलब हम दोनों ने यूट्यूब पे गाने सुनते थे हम लोग, मुझे पता नहीं था यूट्यूब एक मतलब एप्लीकेशन था पहले, तो उससे मिलने के बाद पता किया इस चीज़ के बारे में, इस पर सुना गाने वाने हम सुनते थे, हमको पता नहीं था कि इस पर वीडियोज़ भी हम डाल सकते हैं। ओके वीडियोज़ भी हम डाल सकते हैं, मुझे पता नहीं था, तो मुझे लगता था सिर्फ यूट्यूब पे गाने सुनते हैं। लाइक अभी रिसेंटली जैसे स्पॉटिफाई है, मुझे ये बात नहीं पता था कि स्पॉटिफाई पॉडकास्ट होते हैं, सो पॉडकास्ट भी होते हैं स्पॉटिफाई पे एंड ये बात मुझे भी रिसेंटली पता चली, तो आई थॉट कि मैं भी स्टार्ट करता हूँ पॉडकास्ट जिसके बारे में आप लोग को एंड में पता चलेगा। सो कहानी से भटकते नहीं है तो बताता हूँ, यूट्यूब पे मैंने सोचा कि क्यों ना मैं भी वीडियोज डालूँ। सो मैं तब लेम बना था, कुछ आता नहीं था, लेम एंड टाइप, ठीक है, यूट्यूब के लिए मैं नॉट स्टडीज एंड ऑल, तो यूट्यूब के लिए इतना लेमैन था कि मैं पता नहीं था कि कैसा वीडियोज डालना है क्या करना है। मैंने भाई जैसे तैसे फ़ोन से रिकॉर्ड किया एक वीडियो डाल दिया, एक जीमेल आईडी थी मेरी उस पर, ठीक है, उस जीमेल आईडी से यूट्यूब पे डाल दिया। ना बात थी कि एक वीडियो में क्या होगा, ना एक वीडियो से मेरी व्यूज़ जो थी वो कुछ समथिंग 70,000 70K समथिंग व्यूज आई भाई। ओके तो पहले वीडियो पे इतना व्यू मैं जानता नहीं था कि कैसे हो रहा है क्या हो रहा है। मैंने सोचा कि तब एक बॉट्स फैशन था, बॉट फैशन ये ना बॉट्स देखते हैं यूट्यूब आपको वैसे सपोर्ट करता है ताकि आप और वीडियोज डालो यूट्यूब, तो मैंने सोचा था ना, आई थॉट कि हाँ ये ठीक है बॉट होंगे कुछ होंगे, बट दे वेर रियल कॉमेंट्स मैंने देखी एंड एस्टोनिश हो गया कि भाई मेरी कंटेंट पे इतना, ये ना कोई कैसे देखेगा पहली वीडियो पे बताओ, ठीक है। तो जैसे जैसे फ़ोन से रिकॉर्ड किया एंड वीडियो डाला था एंड ये हुआ, तो आई थॉट कि एक प्रॉपर चैनल बनाते, ठीक
तो प्रॉपर चैनल बनाने के बाद उस पे वीडियोस डालना रेगुलरली वाज नॉट इजी जॉब फॉर मी, क्योंकि मुझे स्टडीज भी देखनी थी एंड ऑल. सो दैट वाज लाइक दैट. सो मैंने सोचा कि क्या करूँ, जैसे जैसे सोचा चैनल कैसे बनाऊँ, क्या करूँ, सीखा. एंड इतना इजी था चैनल बनाना, मैं जानता नहीं था, बट मैंने सीखा. एंड मैं ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पता नहीं था यूट्यूब पे ऐसे कर सकते हो आप. सो चैनल प्रॉपर वाला बनाया. एंड चैनल पे पहली वीडियो जो डली वो थी गिटार के ऊपर, थी गिटार सिखा रहा था. ये पहला चैनल था मेरा, ठीक है. तो चैनल का मैंने स्टार्टिंग में ही किया था, कुछ एक दो स्टार्टिंग के वीडियोस में मैंने उस चैनल के बारे में बताया आप लोगों को, बट उसके बाद नहीं डाला उसके बारे में कुछ, क्योंकि कंटिन्यू नहीं कर पाया मैं. गिटार सिखाता था मैं, स्टार्ट किया था मैंने कि कॉर्ड्स वॉर्ड्स कॉर्ड्स नहीं किया था. हाँ, सो इजीली आप कैसे गिटार पे सिंगल स्ट्रिंग पे गाने बजा सकते हो वो सब सिखा रहा था. तो दैट वाज समथिंग ग्रेट आई थॉट, क्योंकि वहाँ पे रीच बड़ी नहीं रही थी लेकिन वीडियोस अच्छे बन रहे. तब मेरा एडिटिंग का सॉफ्टवेयर कुछ नहीं था, मैंने लिया नहीं था कुछ. आई वाज यूजिंग फ्री सॉफ्टवेयर्स लाइक काइन मास्टर एंड ऑल. तो इजी था काम करना, तो मैंने सोचा यहाँ बना सकती हूँ, इजी है. कंटेंट पे ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं था ना, जो भी गाना वाना तो बजा रहे सिखा दें क्या है, टाइम तो फ्री. लेकिन उसके बाद मेरे दोस्तों ने मुझे रिकमेंड किया कि मेरा दोस्त एक है, मैं बता रहा हूँ साथ तक रहा. सो वो है या उसका चैनल डॉक्टर रोस्ट करके है. एंड बहुत पहले शायद उसको भी या ना याद हो, याद ना हो, तो वो भी वीडियो अगर देख रहा है भाई तुझे याद होगा कि नहीं आई डोंट नो, हो सकता है हो. तो बहुत पहले उसने बोला था कि भाई तू अपना कंटेंट ऐसा ऐसा बना, इस टाइप का ब्लॉगिंग कंटेंट एंड ऑल बोला था. ये चीज़ मुझे याद है, आई डोंट नो सच में बोला था कि नहीं, मेरे माइंड बैक ऑफ माइंड में है. सो आई थॉट इट कि हाँ बना सकते हैं, बट उस चैनल में डालूंगा आई डोंट थिंक. तो नया चैनल बना है द OD07 ब्लॉगर. अब OD07 ब्लॉगर नाम कहाँ से आया ना, वो नाम वहाँ से आया उन लोगों से जिन लोगों को मैंने स्टार्टिंग में देखना स्टार्ट किया था ब्लॉगिंग के लिए. मुंबई का निकल को नहीं देखा, फ्लाइंग मिस्ट को नहीं देखता था मैं, प्रॉपर देखता था तो कैप्टन इंडिया एंड द UK07 राइडर को, क्योंकि उन लोग की वीडियोस जो थी ना उसमें कंटेंट नज़र आता था, ठीक है, एक प्रॉपर कंटेंट रहता था. नॉट फ्लाइंग मिस्ट का जिंदगी का ब्लॉग, डेली का ब्लॉग दिखा रहा है भाई, मुंबई का निकल का डेली ब्लॉग. अरे नहीं देखना आपकी ज़िंदगी यार, आपकी ज़िंदगी देख के लाइफ स्टाइल देखे हम क्या, हम आपकी ज़िंदगी को देख कैसे बैठे. इनका क्या प्रॉपर कॉन्टेंट एक टॉपिक रहता है. तो उस टॉपिक पे अभी तो दोनों ने कंटेंट थोड़ा सा बदला बदला है, बट थोड़ा थोड़ा ना मच ब्लॉगिंग है. सो उनसे ही सीखा है एंड उनको देख देख के सीख रहा था, कैमरा ऐसे पकड़ के करो ये. तो उसके लिए मैंने स्टार्ट किया ब्लॉगिंग के लिए. तो डेट याद है जो कि अभी आने ही वाला है, तो 14 अगस्त 2019 को मैंने पहली वीडियो डाली थी जो कि रक्षाबंधन समथिंग तो था. 14 अगस्त नहीं, हाँ 14 अगस्त को डाला था, लेकिन रिकॉर्ड पहले हुआ था. सो रक्षाबंधन कुछ कुछ तो था, आई डोंट रिमेम्बर. रक्षाबंधन था या ब्लॉक वन रक्षाबंधन था. एंड इंडिपेंडेंस डे 15 अगस्त को था, 15 अगस्त को था. उसके बाद मैंने वीडियो डाला 14 अगस्त 16 17 को डाली थी, छोड़ो डेट. लेकिन 14 अगस्त चैनल खुला था, चैनल का फर्स्ट मतलब ये वीडियो आया था, चैनल बना था तो OD07 ब्लॉगर करके. सो मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की क्योंकि ब्लॉगिंग वॉज अ पैशन फॉर मी. मैं वीडियो क्रिएशन में काम करता हूँ पहले से, स्टार्टिंग मतलब कहीं बाहर बाहर प्रोफेशनल नहीं, बट वीडियो बनाना जानता हूँ, एक्सट्रीमली अच्छा बनाता हूँ मैं बताऊँगा. तो एंड वीडियो क्रिएशन पे पहले ब्लॉगिंग तो आ गया फिर, एंड उसके बाद सोचा कि भाई क्यों ना कुछ और ट्राई करें फूड चैलेंजेस के. जब मैं ब्लॉगिंग करते करते परमपुर पहुँचा था तो वहाँ वो मेरा भाई गाँव विलेज मतलब मैं हाँ सिटी है गाँव बोलता है भाई जहाँ से आप बिलोंग करते हो तो है वो जगह. तो मैं वहाँ जाता हूँ मोस्ट प्रोबेबली हर महीने जाता हूँ, ठीक है. एंड अभी तो लॉकडाउन के कारण नहीं जा पा रहा हूँ, बट एक बार जाके भी आ चुका हूँ, छोड़ो. तो वहाँ गया एंड भाई के साथ बनाए कुछ वीडियो, जिसमें से एक ही वीडियो अपलोड हुआ बट बाकी नहीं हुआ, क्योंकि मुझे देखो आप जो वीडियो बनाते हो तो आपको एडिटिंग के टाइम, नॉट वीडियो बनाते टाइम, एडिटिंग के टाइम मज़ा आना चाहिए, ठीक
कि आपको अच्छा लग रहा है वो वीडियो, आप उसको घंटों देख सकते हो उस वीडियो को, दो तीन बार प्ले करके वैसा लगना चाहिए। वो वीडियोस नहीं लगी मुझे तो नहीं डाला मैंने। उसके बाद भाई अपन ने किया कुछ कारोबार स्टार्ट किया था, एक स्प्रे पेंटिंग का बिजनेस जो कि ज़्यादा चला नहीं तो बंद कर दिया। वॉट स्प्रे पेंटिंग? हाइड्रो ड्रिपिंग। ओके, तो मैंने आपको कुछ एक ब्लॉग नंदन कानन है जहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं स्प्रे पेंटिंग स्टार्ट कर रहा हूँ, तब मैंने कर दिया था स्टार्ट, ठीक है मैं बताऊँ स्टार्ट कर लिया था। एंड तब मुझे एक ही दो कोई फैमिली में से ही आसपास के लोगों से ही ऑर्डर मिले थे एंड एक तो बाहर के लोगों से मिले, तो उन लोग को मैंने बना के दिया, स्प्रे पेंट करके दिया, डिज़ाइनिंग करके दिया एंड आई गॉट पेड, क्योंकि भाई फ्री में तो नहीं करेंगे। और उन पैसों से मैंने एक गियर खरीदा जिसको मैं आज तक यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो वो गियर था ट्राइपॉड। ट्राइपॉड एक ब्लॉगर की लाइफ में बहुत काम होता है, ट्राइपॉड होगा तो ब्लॉगिंग अच्छे से होगी। ट्राइपॉड खरीदा, जिस ट्राइपॉड पे अभी कैमरा लगा हुआ है वही ट्राइपॉड खरीदा, अभी और ट्राइपॉड्स नहीं मेरे पास। एंड ये ट्राइपॉड जो है मुझे कुछ 8799 का पड़ा था, 800 के आसपास, Amazon Basics का, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा। एंड ये वाला जो है मेरे लिए बेस्ट है, फोटोग्राफी करता हूँ वीडियोग्राफी करता हूँ, ये बेस्ट है मेरे लिए। भाई देखो स्टार्टिंग में कितना आप स्पेंड करोगे, ठीक है, तो मैंने कम स्पेंड किया एंड अभी मेरे 100 सब्स होने वाले हैं, तो जाके पहले आप सब्सक्राइब करिए, क्योंकि 100 सब्स कम्प्लीट हो गए तो 14 अगस्त पर वीडियो आ रही है, 14 अगस्त को 1 ईयर कम्प्लीटिंग वीडियो विद 100 सब्स आएगी। तो एक यार प्लीज़ एक हेल्प कर दो, वीडियो को शेयर करो प्लीज़, एक रिक्वेस्ट कर दो शेयर करो एंड 100 सब्स क्रॉस करा दो बस। 82 सब्स है एंड कुछ 18 तो है यार, 18 लोग अगर सब्सक्राइब कर देंगे प्लीज़ कर दो। एंड बात है कि रिसेंटली मैंने सोचा है बहुत चीज़ खरीदने का एंड वॉट वॉट क्या क्या खरीदने वाला हूँ ये बता दो। पहले तो एक छोटा ट्राइपॉड, मतलब छोटा है तो साथ है इधर रखने के लिए ताकि कैमरा एंगल थोड़ा नीचे हो। उसके बाद एक गोरिल्ला ट्राइपॉड खरीदेंगे, दोनों आसपास कुछ 400 के अंदर दोनों आ जा रहे हैं। एंड एक माइक का सेट खरीदने वाला हूँ जो कि कुछ 1200-1600 का है, तीनों में से कोई बेटर वाला अच्छा वाला खरीदूँगा, 1600 में भी मीड बीच वाला ही अच्छा होता है हमेशा, तो अच्छा लगेगा तो ही खरीदूँगा एंड ऑडियो क्वालिटी बेटर हो जाएगी। पहले तो एक इशू है कि मैंने स्टार्ट किया अपने कैमरे से जो कि घर पे पड़ा हुआ था, ये कैमरा बेस्ट कैमरा अभी तक का मेरे पास। एंड बीच में मैंने एक और वीडियो बनाई है जो कि अब तक अपलोड नहीं हुई, वही टेंशन नहीं हो, ठीक है। एंड सोचा ही था 100 सब तक पहुँच पाऊँगा एंड अगर पहुँचता हूँ, क्योंकि लगता नहीं था यार कोई सब्सक्राइब करेगा इतना, ठीक है, तो अच्छा लगेगा वीडियो तो शेयर ज़रूर करिए एंड लाइक डिसलाइक क्या आप पे है, आपको जो अच्छा लगे करिए। सब्सक्राइब करने के बाद अगर आप बेल आइकॉन दबा देंगे तो, पहले नहीं बोलता था अभी बोलता हूँ मैं, बेल आइकॉन दबा दो क्योंकि आपको अपडेट्स आएगा ना, पहले आप डिस्टर्ब हो सकते थे। अगर आपको वीडियो अच्छी नहीं लगती तो आप मेरी वीडियोज़ देख लेंगे, अच्छी लग रही बेल आइकॉन दबा दो, जिसको अच्छी लग रही है दबाओ, सबको नहीं बोल रहा, आपकी मर्जी है। एंड लाइक डिसलाइक आप पे छोड़ता हूँ, कमेंट्स में बता दियो कि अगली वीडियो किस पे बनाएं एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में तैयार है।